नहीं, माता का मंदिर कैसा होता है तो दोस्तों आपने माता के मंदिर पे आए थे हम, अरे हांद रहे, माता के मंदिर पे आए थे, उसने एक लड़की छेड़ दी थी। भाई साहब बहुत बड़ी मन्नत मांग रहा है यार, नेशनल नेशनल भिखारी। कौन सा भिखारी है? नेशनल भिखारी, ओ इंटरनेशनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनू अंसरिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम, मैं था अपनी मौसी के यहाँ पर, तो मैं आया हूँ यहाँ पर एक आज क्या है नमे, क्या है नमे, ठीक है। तो आज क्या यहाँ पर एक माता मैया है, बहुत फेमस मंदिर है, अच्छा मंदिर है, तो वहाँ पर हम जात करने के लिए आए हैं। सभी लोग आए, मौसी के लड़के है, मैं हूँ, रवि है, सभी है। तो मैं आज आपको पूरा मंदिर दिखाने वाला हूँ, फिर आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। गेट है ये, घंटी वगैरह लगी हुई है, देख पंखे लगे, अच्छी व्यवस्था है। हालांकि मैं यहाँ पर कोई भी रहने के लिए आ सकता है। ये माता मैया है, देखो उसी रहे माता मैया, ठीक है। करें परिक्रमा लगाओ, दो है गई तो आज जी भाई साहब बहुत बड़ी मन्नत मांग रहा है यार, नेशनल नेशनल भिखारी। कौन सा भिखारी है? नेशनल भिखारी, ओ इंटरनेशनल। पूरी दुनिया मंगल मजाक कहीं कर रहा हम, लोग वीडियो बना रहे, वीडियो बना रहे, मजाक ही कर। तरफ घूम चुके हैं, फेरे ले चुके हैं, सभी चीज़ हो चुकी है, प्रसाद भी ले लिया है। देखो आपको मैं बताऊंगा, उनके पास ऋषि के पास रखा हुआ है प्रसाद। तो ये मंदिर रहा, देखो आपको ये, इस मंदिर पे आपको बताता हूँ कुछ खासियत बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, एक बार यहाँ पर पांच क्या हुए थे, धर्म हुए बहुत बड़े, एक इंसान ने किए थे, जिसको क्या पता कुछ लोग कहते हैं आके कि उनको कुछ माता मैया ने दिया था बड़ा, इसलिए उन्होंने पांच धर्म किए थे। कितने? पांच, बहुत बड़े बड़े, और इतनी बड़े मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा होती है, हालांकि मैं अभी ऐसी जाते तो रात को जुड़ेगी, सच बताऊँ तो भीड़ होती है बहुत भयंकर। लेकिन अभी हम दिन में आए हुए हैं, अभी टाइम हुआ है, देखो मैं बताता हूँ आपको, 5 बजे हुए, तो अभी नहीं, अभी थोड़ा 6-7-8 बजेंगे ना, तब इतनी भीड़ हो जाएगी खतरनाक। तो हमें क्या है, सुबह कहीं जाना है तो हम घर पे जा रहे हैं, अभी घर भी यहाँ से दूर है 4-5 किलोमीटर। तो चलिए फिर आपको मैं बताता हूँ चारों तरफ, और भी बताता हूँ मंदिर के चारों तरफ क्या व्यवस्था है। देखो अभी झाड़ू वाड़ू तो खड़ा नहीं है वैसे भी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा लगता है ये, ठीक है। नारियल फोड़ रहे हैं,
तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हो हमारे सुल्तान भाई को। किसको संपर्क कर सकते हो? इसको, देखो ये आपको यहाँ पर पहुँचा देगा, ठीक है। ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। आज हम मंदिर आए थे, हाँ ठीक है, और बढ़िया बढ़िया सेल्फी ली थी हमने, बहुत सारे फोटो, हाँ ना। और ये माता के मंदिर पे आए थे, उसने एक लड़की छेड़ दी थी। तो फ्रेंड आपने मंदिर देखा, अच्छा लगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी कुछ मांगना, बोल ठीक है, बोले तो बोल, नहीं तो कहीं होगा ऐसे। तो दोस्तों यहीं पर हम ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, ठीक है, इन भाइयों से मिलकर अच्छा लगा हो, इधर सकल देगा गाइस, हाय गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। देखो तो गाइस मैं आपको बता दूं, हम चल रहे हैं अभी खेतों में, ठीक है। तो ये क्या है, अभी शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहे हैं हम, रास्ते से आएंगे मेन रोड से तो फेर पड़ जाएगा। वैसे भी हम पैदल जा रहे हैं, क्यों गाड़ी में इतना फेर खाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं कभी कभी लाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप टेक्निकल के रिलेटेड वीडियो देखते हो तो मेरा एक चैनल है MHK टेक्निकल के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, माई सेकेंड चैनल, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले नए ब्लॉग के साथ और नए प्लेस के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah, I'll see you in the morning.